हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। से गुड आफ्टरनून टीचर। से गुड आफ्टरनून लाउडली। तो बच्चों, सब लोग ने प्रेयर एंड नेशनल एंथम किए। वेरी गुड। सबसे पहले लिंक ओपन करके क्या करना है, प्रेयर एंड नेशनल एंथम, है ना। सो स्टूडेंट्स, हम लोग के 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, जो हम लोग के एग्जाम में आने वाले वो 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके। तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ हम लोग एक बार रिविजन करेंगे। जो हम लोग के टोटल क्वेश्चन 5 हो गए, वो सिर्फ रिविजन करेंगे। आपको वो सिर्फ एक पेज पे प्रैक्टिस के लिए लिखना है, उसका होमवर्क नहीं करना है। ओके, होमवर्क कंप्लीट करके वो सेंड नहीं करना है आपको, सिर्फ रिवीजन के लिए आपके बुक में ये कंप्लीट करना है। ओके, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसका होमवर्क सेंड नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये रिवीजन के लिए एक लेक्चर है जो कल के पेपर में आएगा। उसी बेसिस पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 5 है ना टोटल्स, वो रिवीजन करने वाले। ओके, आज के लिए सिर्फ, तो सिर्फ आपको ये आपके एक बुक में पेज में रिटर्न करना है। ओके, प्रैक्टिस करना है, होमवर्क सेंड नहीं करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेंसिल, इरेजर। व्हाट इज टुडेस डेट? 22/9। ओके, राइट डेट। हम लोग का क्वेश्चन 1 कौन सा हुआ था? राइट मिसिंग नंबर्स। ओके, क्वेश्चन 1 राइट मिसिंग नंबर्स। ओके, जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग आज एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, सो स्टार्ट विथ मी, मेरे साथ आपको लिखना है। ओके, 11-1330, अगेन डबल डैश। ओके, 11-1330 डबल डैश। ओके, लीव वन बॉक्स, पूरा वन बॉक्स पूरा लीव करना है नीचे की लाइन। राइट 1616 कंप्लीट। 1616 then write 1717 again 2-2020 okay 11-1330 double dash 16 17 अगेन 2 टाइम्स डैश देन 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा हम लोग का? Count and write the correct number. Okay, हम लोग को इसमें क्या करना रहता है, जो ऑब्जेक्ट्स दिए रहते हैं वो काउंट करके हम लोग को कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स है वो नंबर्स लिखना है। ओके, रेडी एवरी वन, स्टार्ट करें। तो एक बॉक्स में हम लोग को 3 बॉल्स ड्रॉ करने हैं। ओके, स्मॉल स्मॉल 1-2-3 कंप्लीट, 4-5-6 कंप्लीट, 1-2-3-4-5-6 अगेन, 7-8-9 11-12 ओके, देन 13-14 हम लोग हर एक क्वेश्चन में से 2-2 एग्जाम्पल्स ही लेने वाले, ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ओके, कंप्लीट, देन लीव वन बॉक्स
and start. 1, 2, 3. Complete. 4, 5, 6. Seven, eight, nine, 10, 11, 12. Complete. Then 13, 14, 15, 16. हम लोग को ये टू बॉक्स में थ्री थ्री ट्राइंगल ड्रॉ करने एंड देन थर्ड बॉक्स में टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करने. ओके पेरेंट्स, या आप अपने बच्चों को कोई भी फुल्स्के पेपर या कोई भी बड़े पेपर पे भी एक टेस्ट के रूप में ले सकते हो. ओके, आप क्वेश्चन बच्चों को लिख के दीजिए और देखिए बच्चे आप खुद से करते कि नहीं, ताकि उनको एग्जाम में इजी हो जाए. ठीक है, तो आप उनको ऐसे एज अ टेस्ट ले रहे वैसे उनको क्वेश्चन लिख के दीजिए. ओके कंप्लीट. तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आंसर्स लिखते हैं. ओके, अभी ये आंसर्स आपको ओरली वहां से मुझे देना है. पेरेंट्स चेक कीजिए बच्चे वहां से आंसर्स दे रहे कि नहीं. ओके स्टार्ट करें. नंबर 11. 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 11. देन नेक्स्ट से लाउडली कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स, 11. 12. ओके, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1, 2, 12. ओके, देन 1, 3, 13. आफ्टर 13 कौन सा नंबर आता है, से लाउडली 11, 12, 13. देन 1, 4, 14. कंप्लीट. देन नेक्स्ट 1, 5, 15. ओके, देन 16 एंड 17 आपको दिया हुआ है ना, ऑलरेडी है ना 16, 17. देन नेक्स्ट 1, 8, 18. ओके, आफ्टर 18 1, 9, 19. देन लास्ट 2, 0, 20 इज ऑलरेडी गिवन. ओके, सबको समझ में आया मिसिंग नंबर्स, तो एग्जाम में आपको अगर मिसिंग नंबर्स आए तो आपको ये अच्छे से लिखने के लिए आना चाहिए, खुद से ट्राई करेंगे. ओके कंप्लीट. देन क्वेश्चन नंबर 2, काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर. ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट करें. काउंट ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, 4. ओके, टोटल कितने बॉल्स है, 1, 4, 14. ओके, आपको अच्छे से टोटल पूरे करेक्ट आपको कट करके काउंट करना है, ताकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स भूल ना जाओ. ओके, देन नेक्स्ट ट्रायंगल, स्टार्ट काउंटिंग विद मी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Then last 2, 15 and 16. टोटल कितने ट्राइंगल से, 16. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे, 1, 6, 16. ओके, सबको समझ में आया ये कैसे मिसिंग नंबर्स, काउंट एंड राइट द नंबर्स. ओके, तो आपको ऐसी टॉपिक में यही सेम ये नंबर नहीं आएंगे, आपको दूसरे नंबर्स के ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तो आपको अच्छे से वो काउंट करके लिखने के लिए आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ये टू टॉपिक्स कंप्लीट हो गए.
अभी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आगे करेंगे. ओके सबको दिख रहा है ना ये. नेक्स्ट आपको ये एज अ टेस्ट सॉल्व करना है, इसका होमवर्क आपको सेंड नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ओके कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. करेक्ट नंबर. ओके काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. ओके स्टार्ट करें. हम लोग को ऊपर के बॉक्स में 3 बॉल्स, देन नीचे अगेन 3 बॉल्स ड्रॉ करनी. ओके 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 कंप्लीट 10 11 12 कंप्लीट 13 14 15 16 17. ओके टोटल कितने बॉल्स ड्रॉ करने हैं 17. देन राइट हियर 1 6 16 1 7 17 1 8 18. ओके ये हम लोग को क्या करना है काउंट करके जो नंबर करेक्ट है उसको सर्कल करना है. ओके अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड लास्ट वन 11. ओके एंड राइट हियर 11 12 13. ओके क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर. ओके हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख के लेंगे देन हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके राइट हियर 1 3 13 डैश. ओके
1717-1919. Okay. Then next. -1212. Okay. Again. -1660. Okay. Complete. पहले हम लोगों ने क्या किया 1313 डैश अगेन लिव वन बॉक्स 1717-1919 यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को डैश करना है देन 1212 नेक्स्ट डैश करके 1660 ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टूड ये हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देन हम लोग ये सॉल्व करेंगे ओके स्टार्ट अभी हम लोग को ये काउंट करके क्या करना है सर्कल स्टार्ट काउंटिंग विथ मी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ओके तो हम लोग को 17 नंबर पे क्या करना है सर्कल कहां पे 17 दिस वन नो दिस यस 1717 ओके नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके 11 12 13 तो 11 हम लोग ने ट्राइंगल्स काउंट किए तो 11 नंबर पे क्या करना है हमको सर्कल ओके देन नेक्स्ट राइट बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर 1 3 13 13 के बाद कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स 1 4 14 ओके 1 7 17 आफ्टर 17 1 8 18 ओके 17 18 19 ओके 10 12 12 के पहले कौन सा नंबर आता है 12 के पहले 1 1 11 ओके देन 16 16 के पहले कौन सा नंबर आता है 1 5 15 ओके सबको समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 ओके और एक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ये सबको समझ में आया ना तो आपको ये अच्छे से कंप्लीट करना है ओके लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का राइट नंबर्स 11 to 20 हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है नंबर्स 11 to 20 ओके क्वेश्चन नंबर 5 राइट नंबर्स 11 to 20 ओके
कंप्लीट। हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसा क्वेश्चन अगर राइट नंबर्स 11 टू 20, सबको 11 से लेकर 20 तक नंबर्स करने। ओके सबको आता है ना, स्टार्ट विथ मी 11। ओके 11, 12, नेक्स्ट 1, 3, 13, नेक्स्ट 1, 4, 14, से अगेन 11, 12, 13, 14, नेक्स्ट 1, 5, 15, अगेन नेक्स्ट 1, 6, 16, देन 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, then next 2, 0, 20। ओके आपको ये 11 से लेकर 20 तक नंबर्स आपको अच्छे से आते रहेंगे तो आपको टोटल फाइव क्वेश्चन जो है वो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको 11 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखने, सबको समझ में आया क्वेश्चन टोटल फाइव, तो यही आपको अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, 11, 12, ये तो नंबर्स आपको आते हैं ना सबको, तो ये इसी बेस पे हम लोग के क्वेश्चन टोटल फोर से है ना, टोटल फोर पूरे आपको कंप्लीट करने, उसकी प्रैक्टिस करनी। पेरेंट्स आप उनको एक अच्छे पेज पे, बड़े पेज पे क्वेश्चन लिख के दीजिए ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखिए, अच्छे राइटिंग में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, देन मुझे सेंड कीजिए। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।